नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। आज हम नौवीं कक्षा या आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी लोक भारती नौवीं कक्षा का जिसकी पहली कविता है चांदनी रात, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई। तो इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है कि प्रश्न उत्तर हम यहाँ पे इनके उत्तर लिखने वाले इन प्रश्नों के, तो आप सभी विद्यार्थी अगर नए इस चैनल को तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो क संजाल, संजाल पूरा करना है तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। पृथ्वी द्वारा मोती चित्राया जाना। दूसरा है मोतियों से संध्या का रूप छलकता, सूर्य का संध्या को मोतियां देना और सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। प्रश्न दूसरा है चांदनी रात की विशेषताएं। तो हम यहाँ पे चांदनी रात की आठ विशेषताएं लिखनी है। किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी। तीसरी विशेषता है हरी घास का लहराना। चौथी विशेषता है मंद पवन चलना। पांचवी विशेषता है हर्षित दिशाएं। छह स्वच्छंद सुमंद गंध। सात स्वच्छ चांदनी और आठ मोती तारे बिखरना। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारू चंद्र डैश डैश चौकों से और छ है क्या ही स्वच्छ डैश डैश शांत और चुपचाप। पहली पंक्ति की विशेषताएं लिखते हैं। चारू चंद्र डैश डैश चौकों से चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुए अटखेलिया कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नव मंडल पर फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। दूसरी जो पंक्तियां है वो है क्या ही स्वच्छ डैश डैश शांत और चुपचाप। इसका अर्थ है कवि चंद्रमा की स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, स्वतंत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अगला सवाल है शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में चर्चा कीजिए। तो यह जो सवाल है तो शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में हमें बातें करनी है, हमारे स्कूल में हमारे सब दोस्तों के साथ हमें ये चर्चा करनी है। और दूसरा है प्रश्न पाठ से आगे दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। तो तारे आकाश पर्वत नदी पृथ्वी यह शब्दों को लेके हमें कविता करनी है। तर आपल्याला इथे कविता तयार करायची आहे। मी प्रयत्न केलाय कविता तयार करण्याचा। तुम्हाला प्रयत्न आवडला असेल तर मला नक्की लाईक करून सांगा आणि नसेल आवडलं तरी सांगू शकता, हरकत नाहीये। बघा हे सगळे शब्द त्यात आले का। झिलमिल झिलमिल करते तारे आकाश में बिखरे कितने सारे, रात चांदनी में पर्वत उजले नदी गाती गीत सुगम। चांद की चांदनी पृथ्वी पर है छाई, हर एक के चेहरे पे मंद मुस्कान है छाई। किंवा आई, आई जास्त अप्रोप्रिएट है। तर अशा प्रकारे मी प्रयत्न केलाय, आपणही अनेक जण प्रयत्न करू हवा। तुम्हाला कमेंट मध्ये पण तुम्ही तुमची कविता शेअर करू शकता। तर अशा प्रकारे कविता करण्याचा प्रयत्न करा, कारण हे प्रश्न तुम्हाला येणारच आहेत परीक्षेला। अगला सवाल है भाषा बिंदु निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची, तो यहाँ पे हमने पर्यायवाची म्हणजे आता पर्याय असलेले शब्द द्यायचे। तरुला पर्याय काय असणार आहे, वसुंधरा, चंद्र, कृषक, उद्यान, अरण्य, इन शब्दों को हमें पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखने हैं। तरु पेड़ दरख्त वृक्ष, वसुंधरा पृथ्वी धरती मही, चंद्र शशि सोम इंदु और कृषक किसान खेतीहर अन्नदाता। उद्यान के लिए है बगीचा वाटिका चमन और अरण्य के लिए है वन जंगल और विपिन। यहाँ पे हमारे सारे सवालों के जवाब लिखकर हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और सपना होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।